साथियों, गुड़हल के प्लांट के ऊपर ढेरों फूल पाने के लिए और ढेरों कलियां पाने के लिए मैं अपने प्लांट को क्या बूस्टर खाद देती हूँ, ये हम आज डिस्कस करते हैं वीडियो में। साथ आज मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा खाद है और कितनी चीज़ों से मिलाकर मैं बना के इस प्लांट को देती हूँ और इससे प्लांट के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। बात करते हैं कि फूलों वाले प्लांट के लिए ग्रोथ बूस्टर खाद हम क्या दे सकते हैं। अगर ये खाद हम आप प्लांट को डाल दें, प्लांट की सारी समस्याएँ दूर हो जाएंगी। और ये सारी चीज़ें घर में ही मिलती है, बाहर से आपको केमिकल्स वाली खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कारण, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी के कारण फूल आना बंद हो जाते हैं या कभी कभी फूलों का आकार भी छोटा हो जाता है, पर मैं ये खाद प्लांट्स को देती हूँ तो देखिए मेरे ये फूलों का आकार कितना बड़ा है और रंग भी कितना निखरा हुआ है, एकदम सुर्ख लाल है और ढेरों कलियां भी इसके ऊपर आई हुई है। प्लांट की समस्या दूर करने के लिए और तेज़ी से बढ़ने के लिए आप ये खाद डालिए, ढेरों फूल आएंगे प्लांट पर। और मेरी ये छोटा सा प्लांट है, ये है ना, ये देखिए आज मेरे प्लांट के ऊपर 3 फूल आए हुए हैं और ढेरों कलियाँ है। देखो, बिल्कुल छोटा सा प्लांट है ये बिल्कुल छोटा सा प्लांट है। ये प्लांट के ऊपर कलियाँ भी आई हुई हैं और फूल भी आए हुए हैं। ऊपर दो या एक दो ऐसे फूल ये दे रहा है। तो मेरे पास में है सूखे केले के छिलके, चाय की पत्ती, ये है काउडंग लिक्विड। ये तीनों मिला के मैं आज ये खाद को तैयार करती हूँ और इन प्लांट को फिर से देती हूँ ताकि फूल अच्छे से आए। नाइट्रोजन युक्त, फास्फोरस युक्त ये खाद हमारी तैयार हो जाएगी। केले के छिलके लिए है, इसकी मैं पाउडर बना लेती हूँ पीस कर। ये देखिए मैंने ये पाउडर बना ली है केले के छिलके की, और ये दोनों प्लांट के लिए डालूंगी इसलिए दो मुट्ठी चाय की पत्ती डाल रही हूँ। ये मैंने इसे मिक्स कर लिया है। ये मिक्स करने के बाद में हम प्लांट की गुड़ाई कर लेंगे और ऊपर से 1 इंच वाली मिट्टी निकाल दे प्लांट की। मैं ये दोनों प्लांट की निकाल रही हूँ। ये दूसरा वाला प्लांट है, इसमें अभी फूल नहीं आ रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा हेल्दी है, ये बहुत ही जल्दी फूल आएंगे इसके ऊपर भी। और दोनों को ये फास्फोरस युक्त, नाइट्रोजन युक्त ये खाद मैं दे रही हूँ एक एक मुट्ठी। इसके बाद में ये ऊपर से मिट्टी से ढक दे, आपने जो मिट्टी निकाली हुई थी प्लांट की उसी मिट्टी से आप इसको ढक दें। और ऊपर से ये जो काउडंग लिक्विड है इसको हम दे देते हैं, पानी के बजाय इसको दे देंगे ताकि ये हमारा पानी का भी काम करेगा और इसको फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगा। इसको फास्फोरस युक्त, नाइट्रोजन युक्त खाद बहुत अच्छी लगती है। ये खाद बना के आप अपने प्लांट को दीजिए। एक एक ब्रांच के ऊपर 3-3, 4-4, 5-5 कलियां है।